हेलो लिब्रा, वेलकम टू ग्रोमा हिंदी टैरो। और आज हम ईयरली रीडिंग करेंगे फॉर द ईयर 2020। तो ये जो रीडिंग है तीन पार्ट से डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट होगा आपका फाइनेंस का, सेकंड पार्ट होगा लव का, एंड थर्ड पार्ट होगा हेल्थ का। तो सबसे पहले हम ऑरेकल शफल करते हैं और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या शो करता है कि आपको कौन सा एक पार्ट फॉलो करना है 2020 में, जिसके अलावा आपको चलना है और अपने स्ट्रेंथ को किस तरह से हैंडल करना है। ओके, होरस, कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकुलस चेंजेस आर अकरिंग। ओके, दैट्स अ वेरी गुड कार्ड। आपके जो थॉट्स है वो मैग्नेटिक एंड पावरफुल है, जो आप सोच रहे हैं दैट इज क्वाइट मैग्नेटिक, एंड आप जो सोचेंगे वो आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। मतलब कि अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो आपके साथ अच्छा होगा, और अगर आप बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। सो मिरेकुलस चेंजेस आर अकरिंग। मिरेकुलस चेंजेस मतलब कि इस तरह के चेंजेस आपको कुछ दिखेंगे 2020 में, कि जो आपने सोचे नहीं थे एंड ऑल ऑफ अ सडन हो जाए, जैसे कि कोई जादू होता हो, कोई मिरेकल। सो आपको लगेगा कि कई बार ऐसे पॉइंट्स होंगे कि आपको सोच रहे थे और वो ऑल ऑफ अ सडन हो गया। आप सोचेंगे कि ओ माय गॉड, ये कैसे हुआ, हाउ वाज इट पॉसिबल। तो ये आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है कि आप अपने थॉट्स को आपके थॉट्स जो है मैग्नेटिक है और बहुत पावरफुल है इस समय, तो आप उनका पॉजिटिवली यूज करें और पॉजिटिव सोचें ताकि आपके साथ पॉजिटिव हो। चलिए आपके फाइनेंस के लिए हम देखते हैं कि 2020 में क्या मैसेज है आपके लिए ऑफ द यूनिवर्स। फर्स्ट कार्ड है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। सेकेंड कार्ड है जजमेंट। थर्ड इज फाइव ऑफ कप्स। फोर्थ इज थ्री ऑफ पेंटिकल्स। Fifth is eight of swords. Six is the hanged man. Knight of swords. Ace of Pentacles. The Devil. The Hermit. Two of Wands, Knight of Pentacles. तो ये आपके कार्ड्स है फाइनेंशियल रीडिंग के लिए। तो लेट्स इंटरप्रेट। आपका जो फर्स्ट क्वार्टर है दैट मीन्स जनवरी, फरवरी और मार्च, जो शुरू के तीन महीने हैं, इसमें मुझे फाइनेंसिस में ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सेटिस्फाइड नहीं है। आपके लिए कुछ टेंशन के कारण हो सकते हैं, मे बी आपको कहीं लॉस हो जाए, या आपने जितनी अर्निंग सोची थी उतनी ना हो, इसको लेकर आप बहुत टेंस्ड हैं और बहुत परेशान रहेंगे कि आप अपने फाइनेंसेस ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। एंड देन वी हैव द जजमेंट। आपको इंतजार रहेगा कि आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको मिले, आप ये उम्मीद करेंगे, बट द प्रॉब्लम इज कि फोर ऑफ स्वॉर्ड्स के बगल में जजमेंट है। इसका मतलब ये है कि जजमेंट हो रहा है, शायद इसका प्रोसेस स्लो है और आपके लिए यह न्याय देर से हो, बट देर इज लॉस ऑफ मनी, और इस चीज को लेके आप दुखी रहेंगे फर्स्ट क्वार्टर में। मतलब कि
चीजें आपको मिलेंगी कुछ हद तक सॉल्व होंगी, जैसे जजमेंट दिख रहा है, मगर वैसे नहीं होंगी जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था. तो इसको लेके आप दुखी रहेंगे कि ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो फाइनेंसिस से रिलेटेड थी आपकी वो सॉल्व नहीं हो पाई है, बट समहाउ कुछ चीजें सॉर्ट आउट होंगी. बस यही मुझे यहाँ पे शो हो रहा है इन द फर्स्ट क्वार्टर की आपका आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है मुझे बहुत अच्छी नहीं नजर आ रही है, और कुछ ऐसे अचानक से खर्चे हो सकते हैं या कोई लॉस हो सकता है, आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, प्रमोशन ना मिले, ऐसा कुछ हो सकता है. देयर विल बी सम इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम होगा फर्स्ट क्वार्टर में. अगले क्वार्टर की हम तरफ जाए तो देख रहे हैं कि यहाँ रिवर्स में है. आपको कुछ फाइनेंशियल रिलेटेड जो सेकेंड क्वार्टर होगा आपका, मीन्स अप्रैल, मई और जून, यहाँ पे आपको कुछ सीक्रेट्स रिवील होंगे कि आपके पैसों के साथ क्या किया जा रहा है, या पैसे आपके कहाँ इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, या कोई आपको आपके कहाँ पैसे काट रहा है, कहाँ कम दे रहा है, या क्या आपको मिलना चाहिए था, क्या नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ आप डिस्कवर करेंगे जो एज अ सीक्रेट अभी तक चल रहा था या फिर आपकी नॉलेज में नहीं था और आप इससे अनजान थे और आपका पैसा कहीं और जा रहा था या इन्वेस्ट हो रहा था, या फिर आपको कोई पैसे नहीं दे रहा था किसी चीज के नाम पे, वो आपसे पैसे काट रहा हो आपके, या कुछ मतलब कुछ भी ऐसा जो आपको रिवील होगा इन द नेक्स्ट क्वार्टर. सेकेंड इज एट ऑफ सॉर्ट्स. एट ऑफ सॉर्ट्स में आपको लग रहा है कि आप बंधे हुए हैं, हेल्पलेस है, आप खुद की मदद नहीं कर पा रहे हैं और परेशानियों से घिरे हुए हैं इन द नेक्स्ट हाफ. तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि जो ये सीक्रेट है, अगर आप जान भी गए हैं तो आप इसको कैसे रोके और कैसे अपने फाइनेंसेस को बचाए, अपने पैसों को बचाए, इसको लेके आप थोड़ा परेशान है. एंड देन वी हैव द हैंगमैन. द हैंगमैन यहाँ पे दिखा रहा है विजडम, दैट मीन्स योर वाइजनेस. आप इस समय में होशियार रहेंगे कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं या कहाँ लग रहे हैं. सो ये जजमेंट का आप कार्ड देख रहे हैं यहाँ पे, तो जजमेंट भी होगा अपनी पेस पे, आप चिंता ना करें. द हैंगमैन यहाँ विजडम दिख रहा है, यानी आप सोच पाएंगे, हालांकि आप परेशानी में हैं, टेंशन में, बट स्टिल आपका दिमाग काम करेगा, आप सोच पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, आप सही पर्सपेक्टिव से सब कुछ देख पाएंगे. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हाफ ऑफ द 2020, अगर मैं इन तीन कार्ड्स को देखे तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ दिख रहा है कि विक्टोरियस होंगे आप. ये जो भी इंसान आपसे सीक्रेट छुपा रहा है या जो भी आपको परेशान कर रहा है, इसको आप हैंडल कर लेंगे इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2020, मीन्स जुलाई, अगस्त, सितंबर में. आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन होगी थोड़ी, और इसको आप सॉर्ट आउट कर लेंगे, और आपके अंदर ताकत रहेगी हर किसी से लड़ने की जो कि आपके खिलाफ प्लॉट कर रहा होगा फाइनेंशियली. देन हियर वी हैव एस ऑफ पेंटेकल्स. हालांकि आपके अंदर फाइट करने की ताकत है, स्टिल द रिजल्ट्स आर नॉट अप टू द मार्क. आपके हिसाब से आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, अभी भी आप वहां नहीं पहुंचे हैं थर्ड क्वार्टर में 2020. एंड हियर वी हैव दिस डेविल अगेन. आप उसके ऊपर विक्टोरियस हो रहे हैं, वो देख रहा है कि आप चीजें कैसे अपने कंट्रोल में कर रहे हैं. ये इस पर्सन को जो आपको तंग कर रहा है, जो आपके फ्रस्ट्रेशन का कारण बना हुआ है, आपके फाइनेंसिस का खेल रहा है या चीट कर रहा है, इसको ये पसंद नहीं आएगा. एंड दे विल अगेन प्लॉट, दोबारा चाहेंगे कि आप उनके इसमें जाल में फंसे और वो आपके फाइनेंसिस को मिसयूज कर सके, या आपके फाइनेंस का कुछ हिस्सा आपके आपके जानकारी से बाहर गायब कर सके. एंड देन हियर वी हैव द हर्मिट. हर्मिट देख रहे हैं, ये शांति खोज रहा है. अगेन आप इससे थोड़ा डिस्टर्ब होंगे इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2020, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहां आप थोड़ा डिस्टर्ब होंगे, बट बस ये टेम्पोरेरी होगा. बट बिकॉज इन द एंड हमारे पास दो और कार्ड्स है, वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग नाइट ऑफ पेंटिकल्स. दैट मीन्स कि आप टू ऑफ वॉन्ड्स हैं, इसका मतलब है कि फाइनली आप अपनी सिचुएशन से सेटिस्फाइड रहेंगे. आप जिस चीज का वेट कर रहे थे इतने लंबे समय से, पूरे साल लगभग, आप उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे इन द एंड, और सेटिस्फाइड रहेंगे अपनी सिचुएशन से. एंड नेक्स्ट इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स. नाइट ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि आपको लगेगा कि बाय द टाइम गोज टू दिसंबर, जब दिसंबर तक वक्त पहुंचेगा, तो आपको लगेगा कि ओके, सब चीजें कंट्रोल में है और सब चीजें पॉजिटिव हो रही है. सो ओवरऑल इट्स अ गुड रीडिंग. तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोग हों जो आपको तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके फाइनेंस में यूज करें, बट बाय द एंड ऑफ द ईयर सब कुछ सॉर्ट आउट होगा, सब कुछ ठीक होगा. चलिए आपके लिए एक अलग से मैसेज निकालते हैं फॉर फाइनेंसेस फॉर द ईयर 2020. मैसेजेस ऑफ यूनिवर्स फॉर लिब्रास 2020. अगेन द होरस. योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकुलस चेंजेस आर अकरिंग. अगेन द सेम कार्ड. सो यहाँ पे भी आपको खुद की पॉजिटिविटी पर भरोसा रखना पड़ेगा. अगर आप पॉजिटिव रहेंगे और
पावरफुल अपनी मेंटल कंडीशन को आप रखेंगे, थॉट्स को रखेंगे इन सब चीजों से परेशान हुए बिना, तो मिराकुलस थिंग्स जो आपने सोची भी नहीं होंगी आप उन चीजों को अनकवर करेंगे और आपके सामने नए रास्ते खुलेंगे फाइनेंस के, कमाई के। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि चाहे कोई कितना भी आपका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करे, कितना भी आपको तंग करे, आपको उस चीज से तंग नहीं होना है एंड आपको हर किसी पे भरोसा नहीं करना, ध्यान से चलें, सब कुछ ठीक रहेगा, बाय द एंड ऑफ द ईयर सब ठीक रहेगा। सो लेट्स मूव ऑन टू योर लव रीडिंग। ओके चलिए अब हम आपकी लव रीडिंग करते हैं, देखते हैं 2020 में लव का क्या सिनेरियो है आपके लाइफ में। द फूल, Ten of Pentacles, sorry, the Star, the Lovers, the Chariot, Six of Swords, the Hangman in reverse, Four of Cups, of Cups, Ace of Wands, Ace of Pentacles, then we have the Emperor. चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें जनवरी फरवरी एंड मार्च की, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के पास आपको ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है, या फिर आपके पास उसको ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है, मतलब कि ये दोनों साइड से हो सकता है क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग जब होती है तो दोनों साइड लवर्स की रीडिंग डाली जाती है, बट चूंकि ये ओनली वन कार्ड स्प्रेड है तो ये बोथ साइड से इक्वली रेजोनेट कर सकता है। तो यहां आप देख रहे हैं तो आपके पार्टनर के पास बहुत कुछ है देने के लिए, बट स्टिल आपके साइड आप बहुत डिमांडिंग हो जाएंगे। फर्स्ट क्वार्टर में आप बहुत डिमांड कर सकते हैं किसी भी चीज की, मे बी आपको चाहिए उनका ज्यादा टाइम, आपको चाहिए ज्यादा अटेंशन, या आपको चाहिए इनसे ज्यादा अफेक्शन, मतलब कुछ भी कमिटमेंट, आप बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो जाएंगे। हालांकि आपका पार्टनर जो है वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पूरा कर रहा है, सब कुछ दे रहा है आपको। द फूल, आपको वहम है मन में, बस आपके मन में वहम है कि नहीं मुझे इतना नहीं मिल रहा जितना कि मैं डिजर्व करता हूं या करती हूं। सो दैट इज नॉट करेक्ट, आपका पार्टनर आपको सब कुछ दे रहा है मगर आप किसी कारण से अनसेटिस्फाइड है, और ये फर्स्ट क्वार्टर की रीडिंग है, ये आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, नॉट नेसेसरीली यू। और जब हम सेकंड क्वार्टर में जाते हैं देन हियर वी हैव द कार्ड ऑफ लवर्स, यहाँ लवर्स का कार्ड दिखाई दे रहा है मुझे, इसका मतलब आपके नेक्स्ट क्वार्टर में जो बॉन्ड्स हैं ज्यादा स्ट्रांग होंगे,
मीन्स आप एक दूसरे से ज्यादा इमोशनली अटैच होंगे, आप के अंदर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और जो भी लव एंड केयर है सब कुछ बढ़ेगा. बट अगेन जब हम देख रहे हैं द चैरियट आप में से कोई जल्दी में आ सकता है, ज्यादा डिमांड कर सकता है या ज्यादा चीजें तेजी से आगे ले जाना चाहेगा और आगे बढ़ना चाहेगा. बट येट ये जो भी पर्सन है ये काफी कॉन्फिडेंट है और इसको अपने पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपको अच्छी लाइफ दे सकता है. एंड दे आर होपिंग टू डू सो. यस, वो चाह रहे हैं कि चीजें आगे बढ़े और चीजें जल्दी से जल्दी मतलब नए लेवल पे जाए, नेक्स्ट लेवल पे जाए. वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए इंपेशेंट हो रहे हैं. बट हियर सिक्स ऑफ सॉर्ट्स, आप शायद से इस बात को लेकर सहमत नहीं होंगे. आप अपने लिए थोड़ा टाइम खोजेंगे, थोड़ा स्पेस खोजेंगे. आपको ये लगेगा कि चीजें बहुत जल्दी हो रही हैं, तो आप थोड़े से इसको लेकर परेशान हो जाएंगे और अपनी शांति खोजेंगे. और मे बी आप हर चीज को छोड़ के थोड़े समय के लिए अकेले रहना चाहें. तो ये फर्स्ट हाफ है आपका 2020 का. तो अब हम थर्ड क्वार्टर की तरफ जाते हैं, दैट इज जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर. तो यहां मुझे दिख रहा है द हैंडमैन इन रिवर्स. अगेन आपकी सोच में कुछ डिससेटिस्फैक्शन है, आपको नहीं लग रहा है. हालांकि आपका पार्टनर यहाँ बहुत अच्छा रहा है फर्स्ट हाफ में, मगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप श्योर नहीं है या जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है. नेक्स्ट कार्ड आप देख रहे हैं, यहां है फोर ऑफ कप्स. इसको यूनिवर्स जो है, इसको डेस्टिनी जो है, कप्स दे रही है. एक दो तीन इसको दे रखी है, मगर ये नहीं लेना चाहता. यही आपके साथ सिचुएशन हो जाएगी. आपका पार्टनर आपको सब कुछ देगा, लेकिन आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे. आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, आपको लगेगा कि मैं जो चाह रही हूं वो नहीं मिल रहा है. बट ऐसा है नहीं, आपको यूनिवर्स दे रही है. आप उसको ले एक्सेप्ट करें. इस तरह से बैठने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन द एंड आपको समझ में आएगा कि शायद आपने कुछ लूज कर दिया है. बहुत ज्यादा डिमांडिंग होगी या बहुत ज्यादा स्पेस सीकिंग हो गया, जो भी है. ठीक है, अपनी स्पेस खोजना बिल्कुल ठीक बात है, बट हियर इट इज योर पार्टनर इज नॉट बीइंग. मुझे नहीं लग रहा ये सब देख के कि आपका पार्टनर ओवर इंटरफेरेंस कर रहा है आपकी लाइफ में. हियर वी हैव पेज ऑफ कप्स. यहाँ पे भी विश फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है. मुझे दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स जो है आपको सब कुछ दे रहा है और आपके लिए जो भी पार्टनर है आपका, जो इस टाइम में आएगा, जो इस साल में आएगा, वो आपके लिए परफेक्ट होगा, आपकी लाइफ को बेहतर बनाएगा. एस ऑफ वांड्स भी आप देख रहे हैं. जितने भी आपके कार्ड्स शो हुए हैं अभी तक लिब्रास, ये साफ हो रहा है कि आपके लिए जो पर्सन है ये ब्लेसिंग है. तो इस साल में अगर आपको कोई ऐसा कोई पर्सन मिलता है जो आपके लिए बहुत डेडिकेटेड है, बहुत केयरिंग है, तो प्लीज उसको यूनिवर्स की विश समझिए. इतना मत सोचिए कि आपको और क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए. वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से फुल कर रहा है, क्यों फुल अपना दे रहा है आपको. और ये एस ऑफ वांड्स देख रहे हैं आप, ये भी दिखा रहा है कि आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग है और आपको सब कुछ मिल रहा है. नाउ हियर वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स. अगेन ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स है इस ईयर में इन द मैटर्स ऑफ लव. तो एस ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर क्लोज टू परफेक्ट होगा, फाइनेंशियली स्टेबल हो सकता है जो आपको मिलेगा, और उसके अलावा वो बिहेवियर का भी अच्छा हो सकता है और मैच्योर उसका बिहेवियर हो सकता है, चीजों को समझने वाला, सिचुएशंस को हैंडल करने वाला, जिसकी हर किसी को जरूरत होती है इन द लॉन्गर रन इन लाइफ. तो इन चीजों को इग्नोर मत कीजिए. ये वी हैव द एम्परर. ये बहुत अच्छा कार्ड है, लास्ट में आया द एम्परर. बाय द एंड ये आदमी जो भी है ये किसी एम्परर की तरह ये आपको लव, प्रोटेक्शन, केयर सब कुछ देगा. ऑल दो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकता है, मीन्स कि ये इसके कुछ कायदे कानून, कुछ प्रिंसिपल्स हो सकते हैं जिसके हिसाब से ये चलता हो. और मे बी यू माइट फील अनकम्फर्टेबल विद दैट. आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है कि इतने ज्यादा डिसिप्लिन और रूल्स में हम नहीं चल सकते, बट स्टिल द एम्परर इज वेरी गुड. सो कार्ड्स आपके पढ़ के मुझे ओवरऑल यही लग रहा है कि आप थोड़ा सा मतलब अवॉइड करेंगे किसी ऐसे पर्सन को जो बहुत अच्छा है, बहुत केयरिंग है, और जो कि आपको ऐसा लगेगा कि वो बहुत डिमांडिंग हो रहा है, आपसे बहुत डिमांड कर रहा है वक्त की, अटेंशन की या हर चीज की. रिवर्स भी हो सकता है, तो मतलब आप ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर से सोच रहे हो कि आप बहुत ज्यादा डिमांडिंग है. तो दिस वॉज द रीडिंग फॉर ईयर 2020. और मैं आपके लिए निकालती हूँ एक ओरेकल जो कि आपके लव रीडिंग बताएगा, मैसेजेस फॉर लव फॉर लिब्रास फॉर द ईयर 2020. ओके, मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस. बहुत अच्छे से ये रेजोनेट कर रहा है. मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, आपको पहचानना होगा चीजों को और आप पहचान पाएंगे.
डीप कनेक्शन, आप इस चीज को रियलाइज करें. मे बी अभी आप नहीं रियलाइज कर पा रहे हैं जब ये सोच रहे हैं कि मुझे स्पेस चाहिए या मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं और चाहिए. ऐसा नहीं है. आपको आपका जिस पर्सन से वो एक डीप कनेक्शन बनेगा, एक सोल कनेक्शन बनेगा जिसको आपको पहचानने की जरूरत है. इंटरेस्ट योर इनर वॉइस, आपके अंदर जो भी आवाज है इस पर्सन को लेके आप उसे सुने. अगर आपको लगता है कि ये पर्सन सही है, भले ही थोड़ा सा अगर आपके वक्त से आपका वक्त डिमांड कर रहा है ज्यादा या जो भी है, तो आपको उसको एक मौका देना चाहिए. ऐसा ना करें कि बस कुछ कारणों की वजह से कि वो डिसिप्लिन्ड है या थोड़ा ज्यादा वक्त लग रहा है उसे या आपसे ज्यादा वक्त मांग रहा है, इसके कारण आप उसे रिजेक्ट ना करें. सो ओवरऑल ये बहुत अच्छी रीडिंग है और ये 2020 के लिए लव रीडिंग. बट यू हैव टू बी केयरफुल, ये देखना होगा आपको कि आप किसी वर्दी पर्सन को ना लूज करें जो हकदार है आपके अटेंशन का, बिकॉज रीडिंग काफी अच्छी आई है. नाउ मूविंग अप टू हेल्थ रीडिंग्स. चलिए तो आपकी हेल्थ रीडिंग करते हैं, देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं 2020 में हेल्थ के लिए. दिस वन इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून. Seven of Swords. Excuse me. King of Pentacles. Fool. Ace of Wands. Three of Swords. Queen of Swords. King of Cups. Nine of Cups. Okay, this one is falling itself. The Hangman in reverse. चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट क्वार्टर जो होगा 2020 का, जनवरी फरवरी और मार्च, उसमें आपकी हेल्थ प्रोग्रेस पे होगी और आप जितने भी परेशानियों के अंडर थे, मतलब आप जितनी भी परेशानी आपकी लाइफ में आ रही थी हेल्थ को लेके, वो सब अगर आप अपने मेडिकेशन फॉलो करें, एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ रेगुलर लगे रखे, डाइट फॉलो करें, तो इससे आपको फायदा होगा और फर्स्ट क्वार्टर के एंड तक आपकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा सुधार आएगा. क्योंकि आपके साथ इस समय यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, तो आप अपने चीजों को जारी रखें. जो भी आपकी रूटीन है, डेली रूटीन जो आपको फॉलो करने के लिए डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, जरूर आपको उससे फायदा होगा इन द डिजीजेस दैट आर इनसाइड यू फॉर लॉन्गर रन. तो जो भी आपके अंदर डिजीजेस थी जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, वेदर जेनेटिकल और नेचुरल वंस, तो ये सारी आपके लिए फर्स्ट क्वार्टर में आपके हद में है. अगर आप उसे चाहें तो आपके कंट्रोल में है, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि आपके साथ किस्मत है आपकी. नाउ द नेक्स्ट इज द फूल, एट ऑफ वॉन्ट्स एंड थ्री ऑफ सॉर्ट्स.
इसका मतलब है द फूल उन चीजों को वैसे नहीं देख पाता जैसे हैं. तो मे बी अगर आपके बॉडी में कोई सिम्टम्स नजर आते हैं आपको इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2020, जैसे फेब्रुअरी अप्रैल मई एंड जून, अगर आप सेकेंड क्वार्टर में देखें तो अगर आपके कोई लक्षण नजर आते हैं किसी एलर्जी के या किसी इन्फेक्शन के या कुछ भी ऐसा आपको नजर आता है, उसको ये सोच के ना करें कि ये नॉर्मल चीजें हैं, नजरअंदाज बिल्कुल ना करें उसको. डॉक्टर के पास जाएं, उसे चेकअप कराएं, क्योंकि वो कुछ और भी हो सकता है. और अगर आप सब कुछ सही लेके चलते रहे तो जो फर्स्ट हाफ है 2020 का, यानी जून और जुलाई तक, आपकी जो हेल्थ है उसमें सुधार आएगा. ये सब वॉन्ट्स आप देख रहे हैं, आप सेटिस्फाइड रहेंगे कि आपने जो किया, जो रूटीन फॉलो किया, जितना डेडिकेशन से अपने हेल्थ को कंट्रोल किया है, वो आपको रिजल्ट मिल रहा है. हाउएवर थ्री ऑफ सॉर्ट्स, किसी बात का दुख भी रहेगा आपको. तो किस चीज का भी हो सकता है आपको, कि आपने जो भी किया है, जो भी आपकी मेडिकेशन है, उसमें मे बी फाइनेंशियल आपका एक्सपेंस ज्यादा हुआ है, और मे बी टेम्पोरिली कुछ जो थोड़े समय के लिए आपको तंग कर सकता है, या फिर मे बी ऐसा कि आप अपनी डाइट को लेकर परेशान हैं, कुछ भी ऐसा जिसे आप चेंज करना चाहते हैं, डेली रूटीन से आप तंग आ गए हैं फॉलो करते करते, या आपके फाइनेंसेस. यहाँ जब मैं देख रही हूँ क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, इससे मुझे लग रहा है कि आपकी हेल्थ में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इससे आप थोड़े से वो परटर्ब्ड रहेंगे, थोड़े से परेशान रहेंगे. बट स्टिल किंग ऑफ कप्स इज हियर, जो भी चीज आपको परेशान कर रही थी ये एक दो महीने के अंदर जुलाई और अगस्त से फेड हो जाएंगी, एंड देन आपको नजर आएगा सितंबर और अक्टूबर में, सितंबर में, कि ये किंग ऑफ कप्स, आपकी जो चीजें थी वो फुलफिल हो रही है, आपके फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ, सब कुछ इस टाइम में सही होगा. एंड देन वी हैव नाइन ऑफ कप्स, जैसा आपने रिजल्ट चाहा था, जो आप जाके अपना चेकअप कराएंगे या जो भी आप आपकी हेल्थ रूटीन का जो भी चेकअप है आप उसको कराएंगे, तो आपको पता लगेगा इन चीजों ने आपको पे किया है और आपकी जो लाइफ है वो बेहतर हो रही है. देन वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत अच्छा कार्ड है आपके लिए. ये मुझे शो कर रहा है कि इस सब चीजों में अगर आप यंगर वन हैं तो आपके परिवार की आपको फुल सपोर्ट रहेगी, वो आपकी केयर भी करते हैं, आपको फाइनेंशियली भी सिक्योर कराएंगे और आपकी हर तरीके से मदद करेंगे इस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए, इनकेस आप यंग है. और अगर आप यंग नहीं है और आप एज्ड पर्सन है, स्टिल आपके फाइनेंसिस इस समय सुधरेंगे और आपकी जो हेल्थ है उसको आप प्रोडक्टिविटी में बदल सकते हैं. मे बी यू कैन, आप अपने वर्क पे ज्यादा कंटिन्यू कर पाएंगे, आपकी सिक लीव्स और इन सब पे असर पड़ेगा, जिससे कि आप जो भी आपकी सिक लीव्स वगैरह है वो आपको कम लेनी पड़ेंगी और आपकी लाइफ बेटरमेंट की तरफ जाएगी. यहाँ द हैंगमैन देख रही हूं मैं लास्ट में, एंड द टेन ऑफ सॉर्ड्स, द हैंगमैन इन रिवर्स. द हैंगमैन इन रिवर्स ये है कि आप लास्ट में जब ये सब चीजें हो जाएंगी तो इसके बाद आप शायद खुद को ही धोखा दें ये बोल के, चलो ओके ये सब हो गया है सो मुझे अपना रूटीन चेकअप कराने की जरूरत नहीं है, पूरी सारी चीजें बाहर आ चुकी हैं, सब पता चल चुका है मुझे, अब कुछ भी चेकअप की या जो मैं रूटीन पहले फॉलो कर रहा था या कर रही थी उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है. ऐसा ना करें, इसका बुरा नतीजा हो सकता है. लास्ट ईयर वी हैव टेन ऑफ सॉर्ट्स, सो जी ये दिख रहा है कि आपको लास्ट में, ईयर के लास्ट में कुछ इंजुरीज हो सकती हैं, इसको लेकर आप सतर्क रहिए. 2020 में आपको इंजुरीज हो सकती हैं या बॉडी में कुछ ऐसे मतलब डिजीजेज डेवलप हो सकती है जिससे आपको पेन हो और आप बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील करें. सो देखते हैं, ओवरऑल तो देखते मुझे ये लग रहा है कि आपको अपना रूटीन फॉलो करना है, नेग्लिजेंस नहीं करनी है, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. बस यहाँ लास्ट में थोड़ा सा आपको बच के रहने की जरूरत है, जैसे ये खत्म होता है कि आपके लिए कुछ इंजरीज वगैरह इसमें हो सकती हैं. सो लेट्स चेक आउट योर सेपरेट मैसेज फॉर हेल्थ फॉर द ईयर 2020. लेट्स सी कि हेल्थ के लिए यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए इन द ईयर 2020. Serapis Bay, Sanctum. That means move into your true self, rise above the darkness, light is here. Move into your true self. आप अपने जो भी डायटली रूटीन वगैरह हैं, जैसे कि आप पूरे साल फॉलो करते आए हैं, उसको आप फॉलो करें अपने ट्रू नेचर को, क्योंकि लिब्रास बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं और किसी चीज को चाहें तो उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, वो काम कर ही लेते हैं, बहुत विलफुल और बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी होती है. तो आपको अपने ट्रू सेल्फ में जाना है, आप किसी भी चीज से लड़ सकते हैं, चाहे वो कोई बीमारी हो, फाइनेंशियल सिचुएशन हो या और कोई सिचुएशन हो. यू आर वेरी ब्रेव पीपल, सो राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर. आप ज्यादा परेशान ना हो, जो भी चीजें यहां हो रही हैं, आप जिस भी तरीके से परेशान फील कर रहे हैं, दैट विल बी ओवर.
कुछ टाइम में ओवर हो जाएंगी, ये टेम्पररी है. सो रोशनी को देखिए, लाइट को देखिए, क्योंकि आपकी जो लाइफ है ये हेल्थ के मामले में आप अच्छी कर सकते हैं. आपको पूरा सपोर्ट है यूनिवर्स का, एंड आपको बस अपने रूटीन को फॉलो करते रहना है. सो दिस वॉज योर हेल्थ रीडिंग. आई होप यू एंजॉयड द रीडिंग. टिल देन, बाय.